हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से टेस्ट नंबर 13 करेंगे ऑफिशियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, हमारी यूपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का। ये पर्टिकुलर टेस्ट हमारे पेड ग्रुप में कंडक्ट हो चुका है, इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। अगर तो कोई ह्यूमन एरर रह गई होगी टेस्ट में, टेस्ट की पीडीएफ फाइल में, तो यहाँ पर डिस्कस कर ली जाएगी। और यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो इसे एक फुल लेंथ टेस्ट की तरह दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर परख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट देखना है। पहला स्टेटमेंट है कि 1765 में मुगल एम्परर ने कंपनी को दीवान नियुक्त किया था बंगाल प्रांत का। और अगला है कि आलमगीर द्वितीय उस समय तत्कालीन मुगल शासक था। और तीसरा है कि आपका बैटल ऑफ प्लासी के बाद, यानी 1957 के बाद, जो गोल्ड आउटफ्लो था, गोल्ड इम्पोर्ट था, वो शुरू हुआ ब्रिटेन से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका गलत कौन सा ये बताना है। तो गलत यहाँ पर ये वाला गलत है और थर्ड गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है हमारी टेस्ट सीरीज में। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि उस समय एम्परर शाह आलम द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय नहीं। ठीक है, और सेकेंड वाला इसलिए इनकरेक्ट है। और आउटफ्लो जो है ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश गोल्ड का, वो आना कम हुआ था ऑब्वियसली, क्योंकि यही इनकम जो है बढ़ गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थ्री भी इनकरेक्ट है। तो वहां से सोना आना कम हुआ था ना कि बढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर थ्री भी इनकरेक्ट। सेम क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया रहता है हमारी सीरीज में, हिंदी वाले भी इसको देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में दिया रहता है। ठीक है, अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेटी। अब वेटी के बारे में आपको बताना है कि क्या ये जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता था कैश के फॉर्म में, रोकड़ नगद के फॉर्म में जो कर लिया जाता था वो है, और क्या ये कर पल्लवों ने लगाया। तो करेक्ट कौन सा ये बताना है वेटी के बारे में। तो वेट्टी के बारे में डी करेक्ट है, नन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि इंस्क्रिप्शन जो हमको चोल काल से मिले हैं उसमें करीब 400 प्रकार के करों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वेट्टी को बार बार मेंशन किया गया है। ये कैश में नहीं लिया जाता था बल्कि एक बंधुआ मजदूरी के तौर पर लिया जाता था। ठीक है, लैंड रिवेन्यू के तौर पर, मजदूरी के तौर पर, या तो कडमाई के तौर पर, जिसको लैंड रिवेन्यू कहते थे। ठीक है, चोल काल में बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे, छत की बनवाई पर टैक्स, सीढ़ी यूज़ करने के लिए टैक्स, और सेस लगाया जाता था फैमिली प्रॉपर्टी को अधिग्रहित करने पर। तो इस वजह से दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, कैश में नहीं लिया जाता था और ये चोल के काल में आया था, पल्लवों के काल में नहीं। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री होगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, सही किसको मिलाया गया ये बताना है। तो वेन्न वैगाई किसको कहा गया है, जो भूमि होती थी गैर ब्राह्मण किसानों की। ठीक है, और शाला भोग किसे कहा गया है, जो किसी भी स्कूल की मेंटेनेंस के लिए जमीन लगती थी वो। और पल्ली छंदम किसे कहा गया है, जो जैन इंस्टीट्यूट्स को, मतलब जैन सेंटर्स को जो दान में दी गई थी वो। देवदान और तिरुणा मट्टुकनी, ये जो है गलत मिलाया गया है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देवदान या तिरुमट्टुकनी है, ये जो है लैंड दी जाती थी मंदिरों के निर्माण के लिए, ना कि आपके ब्राह्मणों के लिए। तो ऑप्शन नंबर फोर वहां पर इनकरेक्ट हो गया। बाकी शाल भोग, ब्रह्मदेय और वेलंग वैगाई सही मिलाया गए थे। और पाली छंदम क्या है, ये जैन इंस्टीट्यूट्स को दी जाने वाली लैंड थी। तो ये हिंदी में भी है, हिंदी में हमने स्क्रॉल कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है द टर्म पोलर इन द पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिनोट्स। ये जो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो खबरों में रहता है, PSLV-46 जिससे चंद्रयान गया है, इसमें पी क्या है हमको बताना है, या फिर पोलर क्या है हमको बताना है। तो PSLV सेटेलाइट ऑर्बिट्स जो है अर्थ के पोल, एक पोल से दूसरे पोल जाते हैं, वो है यहाँ पर पोलर। ठीक है, पोलर का ये मतलब है। इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है कि PSLV का यूज़ किया जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेटेलाइट्स को पहुँचाने के लिए, लॉन्च व्हीकल है ये आपका PSLV। ये हिंदी में भी दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में दिया हुआ है। आगे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर द कैपिटल रिसीप्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीप्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स भी आ जाती हैं, और जो ट्रेजरी बिल से जो इनकम आती है वो भी, वो आता है कैपिटल में। जो एड मिलता है हमको, मतलब फॉरेन कंट्रीज से, वो आपका किस में आता है, वो रिसीप्ट्स में नहीं आएगा, वो कैपिटल रिसीप्ट्स नहीं आएगा, वो नॉन टैक्सेबल रिवेन्यू रिसीप्ट्स होगी। रिवेन्यू रिसीप्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल जो है ये कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट है, ग्रांट इन एड ये नॉन टैक्स रिवेन्यू ऑफ
रिवेन्यू रिसीप्ट का पार्ट है, सेम चीज हिंदी में दी हुई है। अगला है कि लीजा पाथफाइंडर के संदर्भ में आप बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है इसके बारे में। क्या ये नासा का अभियान या प्रोजेक्ट है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना, ठीक है, उनका अन्वेषण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला वाला सही है, ग्रेविटेशनल वेव्स का अन्वेषण करना लीजा पाथफाइंडर का लक्ष्य है, लेकिन ये जो है ये नासा का मिशन नहीं है, ये ESA का मिशन है, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है, नासा का नहीं है। तो यही हिंदी में दिया हुआ है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लॉयन सॉरी प्रोजेक्ट लून, ठीक है, प्रोजेक्ट लून किसका है उसके बारे में बताना है। तो क्या इसका एम है इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जाए, रीजन जो हमारे मतलब दूरगामी क्षेत्र होते हैं उनको बलून्स के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाए, और दूसरा है कि बलून जो है ये मीजोस्फेयर में जो है रखे जाएंगे, और तीसरा है कि प्रोजेक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है ये कर रहा है इम्प्लीमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर नॉट करेक्ट है, गलत है? तो यहाँ पर सी, यानी कि सेकेंड और थर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट है कि मीजोस्फेयर में नहीं रखेंगे बैलून को और ये प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। तो किसका है ये प्रोजेक्ट? है गूगल एक्स का, ठीक है, और इसको बैलून को कहाँ पर रखेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर में, ऑफकोर्स इसको स्ट्रेटोस्फेयर में रखेंगे 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, और एरियल वायरलेस नेटवर्क यहाँ पर 4G LTE स्पीड का प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रोजेक्ट गूगल एक्स जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यही ये प्रोजेक्ट है आपका, मतलब यही क्वेश्चन हिंदी में भी गिवन है, इसका आंसर भी गिवन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि पटेल वॉज द चीफ विलेज ऑफिसर इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मराठा प्रशासन में पटेल जो है वो एक विलेज का चीफ ऑफिसर होता था। अपने ट्रूप्स की ट्रेनिंग के लिए मराठाओं ने यूरोपियन प्रोफेशनल्स की सहायता ली थी और उनको अपनी आर्मी में शामिल किया था। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो पटेल नाम का ऑफिसर होता था वो जुडिशियल रिवेन्यू और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखता था, और विलेज में की बातें जो है मतलब विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन जो है पेशवा को कन्वे करता था। ममलतदार जो होता था वो डिस्ट्रिक्ट का जुडिशियल ऑफिसर हुआ करता था, और पेशवा ने जो है काफ़ी सारे फॉरनर्स को अपनी आर्मी में शामिल किया था, ठीक है। किन किन को शामिल किया? इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, जर्मन, स्विस, इटालियन, आर्मेनियन, लगभग सबको शामिल कर लिया पूरे यूरोप को। यही क्वेश्चन हिंदी में भी गिवन है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स नेशंस आर अ पार्ट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, तो कौन सा ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम MTCR का पार्ट है, कौन सा ब्रिक कंट्री? तो यहाँ पर 1, 3, 4, 5 ओनली, यानी कि इसमें चाइना पार्ट नहीं है, बाकी ब्राज़ील है, इंडिया है, रशिया है और साउथ अफ्रीका है, बाकी MTCR में चाइना शामिल नहीं है। ये देखिए पिक भी लगी हुई है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, UK, US। इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1987 में। इंडिया ने जो है अप्लाई किया था इसमें मेंबरशिप के लिए लास्ट ईयर, और जिन लोगों को जो है ऑब्जेक्शन करना था उनकी डेडलाइन हो गई थी, ठीक है, और इंडिया को एडमिशन इसमें मिल गया था फाइनली MTCR में। अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन हिंदी में भी गिवन है। अगला हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स इन इंडिया, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत के दूसरे सर्वाधिक राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है ये आप हमको कमेंट करके बताइए अभी। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा ये देखिए मैप भी लगा हुआ है, मैप भी लगा दिया इसीलिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया एक, एक उत्तराखंड हो गया, एक हरियाणा हो गया, 3 इधर, चौथा राजस्थान हो गया आपका, और आपका 5वां मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और फिर झारखंड हो गया और बिहार हो गया। तो कितने हो गए? 3, 2, 5 नीचे, 5 और मतलब 8 स्टेट से लगता है उत्तर प्रदेश, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। सोनभद्र के बारे में क्वेश्चन आता है कि कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, क्वेश्चन आपके लिए चेंज ये वाला बताइए, ये तो हमने बता ही दिया कि कितने राज्यों से करता है, सोनभद्र कितने राज्यों से करता है ये बताइए आप। अगला क्वेश्चन है कि खासी ट्राइब के बारे में आप विचार करिए और करेक्ट बताइए कि खासी सोसाइटी जो है मैट्रिलिनियल है, यानी कि आपकी मात्र सत्तात्मक सोसाइटी है, और क्रिश्चियनिटी जो है ये मतलब प्रैक्टिस की जाती है क्रिश्चियन धर्म का पालन खासी जनजाति में, नोंग्क्रेम जो है ये फेस्टिवल मनाते हैं खासी लोग,
कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? यहाँ पर करेक्ट है डी, यानी तीनों ही करेक्ट हैं। खासी जनजाति के बारे में ध्यान रख सकते हैं, ईसाई धर्म को काफ़ी फॉलो किया जाता है, नोंगक्रेम फेस्टिवल मनाते हैं और मात्र सत्तात्मक इनकी सोसाइटी है। अब देखेंगे एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर गिवन है पूरा, तो हमारी शीट में ऐसा नहीं कि आंसर ही होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देते हैं पूरा जहाँ जहाँ ज़रूरत है। अगला है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोरियल फॉरेस्ट, इनका बताइए। तो शॉर्ट समर विद हाई रेनफॉल, प्रोडक्टिविटी जो होती है कम होती है अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम से अगर कंपेयर करें तो। एवरग्रीन ट्रीज जो हैं स्प्रूस फर पाइन पाए जाते हैं, कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। बोरियल फॉरेस्ट के बारे में ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कम, शॉर्ट समर और हाई रेनफॉल में पनपते हैं और स्प्रूस फर पाइन पाए जाएंगे, ठीक है। अब कहाँ पर मिलेंगे ये देखिए, इसमें भी मैप से दिखाया गया है, इसमें सभी को मैप से दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ पर कौन से मिलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कि आप बताइए कि कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो कोमकासा है, जो लास्ट ईयर न्यूज़ में था, ये किससे संबंधित है या फिर ये क्या है? तो ये बेसिकली डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है इंडिया और यूएसए के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया यूएस ने जो है साइन 6 एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए थे, 2+2 डायलॉग यहाँ पर काफ़ी फेमस हुआ था। वैसे तो वो लोग सिसमोआ कहते हैं इस एग्रीमेंट को, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है ये हमारा कोमकासा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मूव, जो अभी न्यूज में था रिसेंटली। मूव से क्या मतलब है? क्या ये इंडिया का पहला ग्लोबल मोबिलिटी समिट था जो सितंबर 2018 में हुआ था? क्या मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने इसको ऑर्गेनाइज किया था? और क्या ये इसका उद्देश्य है कि क्लीन एनर्जी जो है वो उसको हम प्रमोट करेंगे, ठीक है, कारों में जो है क्लीन एनर्जी प्रमोट करेंगे? तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो 1 और 3 यहाँ पर सही है खाली, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइजेशन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने नहीं किया था, लोग कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग ने किया था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पर प्रमोट किया गया था, स्टेक होल्डर्स के सामने डिस्कशन हुआ था कि नंबर ऑफ कार जो हैं वो बाकी कंट्रीज़ में बढ़ती जा रही हैं, बढ़ाएंगे हम भी, लेकिन एनवायरमेंट फ्रेंडली कारें रहेंगी वो। अगला है, विद रेफरेंस टू द इंडियन आर्ट एंड कल्चर कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, इसके बारे में मुझको नहीं ज़्यादा आइडिया है, तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। आंसर यहाँ पर सी होगा, 1 और 3 यहाँ पर सही मिलाए गए हैं, ठीक है। 1 और 3 का मतलब है कि जो अजंता है यहाँ पर एक बहुत बड़ी बुद्ध के महापरिनिर्माण की एक मूर्ति मिली है और सेलेस्टियल म्यूजिशियंस ऊपर दिखाए गए हैं, सौरोफल फिगर्स दिखाए गए हैं, मतलब जो महापरिनिर्वाण पर शोक कर रहे थे जो लोग वो नीचे दिखाए गए हैं इसमें। और तीसरी जो सही चीज़ है यहाँ पर कि अर्जुन का जो पिनेंस है और डिसेंट ऑफ गंगा की मूर्ति, ठीक है, ये ममल्लापुरम में दिखाई गई है। सेकंड वाला इनकरेक्ट है कि वाराह अवतार जो है विष्णु का, क्या ये माउंट अबू में नहीं दिखाया गया है? वो कहाँ पर दिखाया गया वाराह का अवतार? ये ममल्लापुरम में दिखाया गया है, और माउंट आबू में ज़्यादातर जैन टेम्पल्स मिले हैं। ये मूर्ति भी देखिए आपको दिखा दी गई है, इसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दिखाया जा रहा है, और फिर बाद में आप देखेंगे कि डिसेंट ऑफ गंगा महाबलीपुरम, ठीक है, गंगा को अवतरित किया गया था उसमें, ये दिखाया गया है। अगला है, बोधिसत्व पद्म पाणि जो है ये मोस्ट फेमस और ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग है, ये कहाँ पर है? तो बोधिसत्व पद्मणि जो है ये सबसे प्रसिद्ध, सबसे आकर्षक, सबसे सचित्र चित्रों में से एक है, तो ये कहाँ पर मिलती है आपको? अजंता में, ऑप्शन नंबर ए। ये आ सकता है डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में कि जहाँ पर आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा नहीं भी आएगी, क्योंकि ये आपका एंशियंट का पार्ट है। बोधिसत्व पद्मणि आपको कहाँ, पद्म पाणि कहाँ पर मिलेगा? अजंता में। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वजल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है ये बताना है। तो पहले लिखा हुआ है, स्वजल योजना हाल ही में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा, और क्या ये इस परियोजना का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा सही है? केवल एक सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित निरंतर पेयजल आपूर्ति के लिए एक सामुदायिक स्वामित्व वाला पेयजल कार्यक्रम है, ठीक है, और परियोजना के तहत 90% लागत सरकार वहन करेगी, उसमें लिखा है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है, और 6% समुदाय द्वारा योगदान किया जाएगा, ठीक है, स्टेक होल्डर्स के द्वारा और कम्युनिटी के द्वारा।
परियोजना का संचालन प्रबंधन स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा नहीं। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। स्वजल के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, तो ये आया है, इसके बारे में आप विचार करिए कि मिशन का उद्देश्य है कि जो इश्यूज हैं स्टूडेंट से और पेरेंट्स रिलेटेड उनको सॉल्व करना, उनका निपटान करना। और दूसरा है द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि क्या HRD ने इसको लॉन्च किया है, मानव संसाधन मंत्रालय ने। और क्या स्कीम के तहत नेशनल रिसोर्स सेंटर जो है इसको बनाया जाना है, इसको वन स्टॉप पॉइंट बनाया जाएगा इंडियन एकेडमिशियंस के लिए, जिससे वो अपनी रिसर्च और टीचिंग स्किल्स को जो है अपग्रेड कर सकें। तो कौन सा सही है इसमें? इसमें आपका सही है केवल दूसरा और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही है। पहला वाला इसलिए करेक्ट है क्योंकि उसमें लिखा है कि टीचर और सॉरी स्टूडेंट और पेरेंट की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरा होलिस्टिक मैनर में, ठीक है, यानी समग्र रूप से हर एक सेक्टर, हर एक स्टेक होल्डर जो है उसकी हर एक समस्या का समाधान करना चाहता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। तो खाली स्टूडेंट और टीचर नहीं, आपका इंस्टीट्यूशंस भी शामिल होंगे इसमें, स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, सबका यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। HRD ने इसको लॉन्च किया है इसलिए सही है। और नेशनल रिसोर्स सेंटर यहाँ पर बनवाया जाएगा जिससे जो आपके एकेडमिशियंस हैं वो अपनी रिसर्च और टीचिंग स्किल्स जो हैं बढ़ा सकें। ठीक है, यही हिंदी में भी दिया हुआ है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया को 70वीं रैंक मिली है, कौन इस रैंकिंग को जारी करता है बताना है। इस रैंकिंग को जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया ने 23 स्थानों से इम्प्रूव की है अपनी रैंकिंग। पिछली बार इंडिया 100वें स्थान पर था, आपकी बार 170वें स्थान पर। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सागर प्रोग्राम। सागर प्रोग्राम के बारे में बताइए कि एक मैरीटाइम इनिशिएटिव है जो बे ऑफ बंगाल रीजन को प्रायोरिटी देगा। ठीक है, और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, उनके सिद्धांतों पर ही चलेगा। और तीसरा है कि इंडिया जो है एक नेवल बेस डेवलप करना चाहती है एजम्पशन आइलैंड पर। कौन सा यहाँ पर सही है? तो आपको बता दें कि तीसरा सही है यहाँ पर और ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। यहाँ पर दिया हुआ है कि सागर मैरीटाइम इनिशिएटिव है, इंडियन ओशन रीजन को यहाँ पर देखेगा, उसमें स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी इंडिया के लिए कैसे हासिल की जा सकती है इसको देखेगा। एक्चुअली में यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, इसको आप ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा डी, 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 20 है उसका आंसर होगा डी, सी नहीं, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सागर प्रोग्राम का फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाएंगे अब। इसमें हमको बताना है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है इसके बारे में आप स्टेटमेंट पर विचार करिए कि एक ऑटोनोमस बॉडी यानी कि एक स्वायत्त निकाय के तहत क्रिएट किया गया, स्वायत्त निकाय की तरह क्रिएट किया गया था 2016 में गवर्नेंस जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में उसको इम्प्रूव करने के लिए। और बाकी कहा गया है बाद में कि इसका कार्य ये भी है कि ये जनादेश के तौर पर रिकमेंड करता है कैंडिडेट्स को जो स्टेट रन बैंक जो है यानी कि आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनके हेड कौन बनेंगे, उनके नामों की सिफारिश करता है। और दूसरा मतलब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंद्रधनुष प्लान के तहत ये अस्तित्व में आया है। तो कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑफ कोर्स इनकरेक्ट होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक को देखेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो, PSBs को देखेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो, प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं देखेगा। ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। बाकी नाम भी रिकमेंड किए जाते हैं, आप देखते हैं कि कोई अगर न्यूज़ में आती है कि HDFC के हेड बदल गए या फिर आपके SBI में कोई नई बड़ी पोस्ट आई है, फाइनेंशियल ऑफिसर बदले हैं वहाँ के, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है उनको रिकमेंड करता है उनका नाम। इंद्रधनुष प्लान जो है गवर्नमेंट का उसके तहत है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, माउंट देवतिब्बा के बारे में आप बताइए जो अभी न्यूज़ में था, ये कहाँ पर है? तो माउंट देवतिब्बा है हिमाचल प्रदेश में। इसको छोटा चंद्रताल ट्रैक के नाम से भी जानते हैं, जो ब्यूटीफुल ट्रैक है हमारे मनाली रीजन में उनमें से एक है ये। 6001 मीटर हाइट है माउंट देवतिब्बा की। आगे क्वेश्चन है, मास्टर ऑफ रोस्टर रिसेंटली बीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मास्टर ऑफ रोस्टर जो है इस टर्म किससे रिलेटेड है,
ये एसोसिएटेड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। ये प्रिविलेजेस हैं जो चीफ जस्टिस को मिलते हैं, जिससे वो बेंचेस बना सकता है, बेंचेस का गठन कर सकता है किसी स्पेशल केस को सुनने के लिए। महापुरुष शंकर देव के द्वारा किस डांस फॉर्म को शुरू किया गया, ये बताना है। तो उन्होंने शुरुआत की थी सत्तरैया की, ठीक है, सत्तरैया की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की। आपका ग्लोबल 200 जो है WWF ने रिलीज़ किया है, ये क्या है, ये किसकी किस चीज़ की लिस्ट है? तो ये लिस्ट है आपकी प्रायोरिटी इको रीजन्स की, जिन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, उन जिनको प्रायोरिटी पर रखने की ज़रूरत है, उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी की है इको रीजन्स, जहाँ पर स्पीशीज़ की रिचनेस पाई जा सकती है, एंडेमिज्म पाया जाएगा, और अनयूजुअल इकोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी फिनोमिना जहाँ पर देखने को मिलेगा, दुर्लभ प्रजातियों की समृद्धि देखने को मिलेगी वहाँ पर, उन चीज़ों की लिस्ट है आपकी ग्लोबल 200। अगला क्वेश्चन है कि एविक AG-600 ये किससे संबंधित है, ये कि क्या चीज़ है? तो ये ऑफ कोर्स एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। AG-600 वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है, और लॉन्ग रेंज मैरिटाइम सिक्योरिटी और पेट्रोल एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है, जो जिनवान सिविल एविएशन एयरपोर्ट जो है चाइना में, वहाँ पर तैनात किया गया 24 दिसंबर 2017 को। ये इसकी फोटो है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है AG-600 और यहाँ पर चाइना का झंडा भी लगा हुआ है। आगे हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पीक्स एंड माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज को पीक से मैच करना है। तो डोडा बेटा आपका कहाँ पर है, ये आपका नीलगिरी में है। कलसुबाई ये वेस्टर्न घाट्स में, धूपगढ़ ये आपका अरावली में, गुरु शिखर ये आपका, अच्छा सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, ये दोनों तो आमने सामने रहेंगे लेकिन ये क्रॉस हो जाएंगे। धूपगढ़ सतपुरा में, गुरु शिखर जो है हाईएस्ट पॉइंट है अरावली का, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर गिवेन है, सेम यहाँ पर हिंदी में भी गिवेन है इस तरीके से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इन इंडिया। गोल्ड के बारे में बताना है कि कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन जो होता है एक इकोनॉमिकली अनवाइबल है, मतलब कि आर्थिक रूप से अस्थिर है आपका। और अगला है राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है सोने के भंडार पाए गए हैं, कौन सा यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ये वाला, ये सही है, ये वाला इनकरेक्ट है। सर्वाधिक सोने के भंडार आपको कहाँ पर मिलेंगे? कर्नाटक के रायचूर जिले के कोलार जो वहाँ पर रीजन से वहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है कि हट्टी गोल्ड फील्ड्स कहाँ पर पाए जाएंगे, यहाँ पर कर्नाटक के कोलार, ये हट्टी गोल्ड फील्ड है और ये हैं कोलार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ह्यूमिडिटी इन द एयर। ह्यूमिडिटी के बारे में हमको बताना है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर ऑफ द एयर। तो टेम्परेचर जो एयर का होता है उससे इनवर्सली जो है रिलेशनशिप रखता है। अगला है कि द टेम्परेचर ऑफ द एयर बिकम्स एब्सोल्यूटली वॉइड ऑफ एनी मॉइस्चर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एयर का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, वो है क्या ड्यू पॉइंट? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि पहला यहाँ पर खाली करेक्ट है, ये वाला ये इनकरेक्ट है। ड्यू पॉइंट देख लेते हैं कि है क्या। ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिसमें एयर जो है उसको कूल किया जाना चाहिए और सैचुरेटेड हो जाती है वाटर वेपर से, और बाद में जब और कूल करते हैं तो वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाता है और फिर लिक्विड बन जाता है। सेम क्वेश्चन हिंदी में भी दिया हुआ है, आपको दिखा दे रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द अर्थ एटमोसफेयर गेट्स हीटेड डायरेक्टली फ्रॉम इंसुलेशन। इन एटमोसफेयर को ऊष्मा मिलती है इंसुलेशन से। और अगला है कि प्रोसेस जिससे अर्थ का एटमोसफेयर हीट होता है उसको कन्वेक्शन कहते हैं, करेक्ट कौन सा है? तो दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। तो अर्थ को हीट किससे मिलती है आखिर? तो एटमोसफेयर जो है ये डायरेक्टली हीट होता ही नहीं है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अर्थ जब इंसुलेशन से हीट हो जाती है तो अपनी जो हीट है ये एटमोस्फेरिक लेयर्स में ट्रांसफर करती है लॉन्ग वेव फॉर्म में, ठीक है। और बाद में दिया हुआ है कंडक्शन, एयर जब कांटेक्ट में आती है लैंड के धीरे धीरे गर्म होती है और अपर लेयर में कांटेक्ट में आती है और लोअर लेयर जो है ये गर्म होती है, इसको कंडक्शन कहते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि पोल्यूशन से रिलेटेड आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। एसिड रेन जो है वाटर पोल्यूशन कारण होती है, नॉइस पोल्यूशन
जो है स्पेसिफिक है और इसकी इंटेंसिटी जो है घटती जाती है अगर हम पोल्यूशन के सोर्स से दूरी बना ले तो। और मेट्रो सिटीज़ में और टाउन्स में 30 से 50% जो करीब वेस्ट होता है वो जो है अनकलेक्टेड छोड़ दिया जाता है और मतलब गलियों में बिखरा पड़ा रहता है। कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? यहाँ पर करेक्ट है आंसर नंबर बी, पहला यहाँ पर करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। एसिड रेन ऑफ कोर्स एसिड रेन जो है ये एयर पोल्यूशन से होता है। अच्छा नॉट करेक्ट बताना है, सॉरी नॉट करेक्ट है। तो मतलब एसिड रेन जो है वाटर पोल्यूशन से नहीं होता है, ये किससे होता है? एयर पोल्यूशन से होता है। और इसमें जैसे लिखा हुआ है कि 30 से 50% का कचड़ा जो है छोड़ दिया जाता है स्ट्रीट्स में, तो ऐसा नहीं है। करीब 90% कचड़ा जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गलियों में ही ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और बाकी टाउन्स में क्या होता है, 30 से 50% कचड़ा जो है वैसे ही छोड़ दिया जाता है। और ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नॉइज़ पोल्यूशन लोकेशन स्पेसिफिक होता है, साउंड के सोर्स से आप दूरी बना लीजिए, आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि जो पाल घाट गैप है जो इजी एक्सेस हमको प्रोवाइड कर रहा है वेस्ट और ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, ये किसके बीच जो है ये पाल घाट बना हुआ है? तो ये है नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। केरल में पलक्कड़ गैप या पाल घाट गैप इसको कहते हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच भारत के पश्चिम और पूर्वी तटों के बीच एक आसान पहुंच प्रदान करता है। ये देखिए दिखाया भी गया है यहाँ पर, ये है पाल घाट। यहाँ पर सबकी पिक्स भी हैं इस बार की टेस्ट सीरीज में, आसानी समझने के लिए। अगला है कि ग्लोबल सॉइल बायोडायवर्सिटी एटलस जो है ये प्रिपेयर की जाती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, और दूसरा है कि इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जो सॉइल बायोडायवर्सिटी का सबसे हायर रिस्क पर हैं। कौन सा यहाँ पर नॉट करेक्ट है? ध्यान रखिएगा नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, यानी कि जो सही नहीं है। तो दोनों ही यहाँ पर सही नहीं है स्टेटमेंट। तो सही कौन से हैं? इंडिया की जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी है इसका आंसर आपका डी है, नाइदर वन और टू, यानी कि दोनों ही यहाँ पर सही हैं, ठीक है। नॉट नॉट कैंसिल हो जाता है आपस में और ये प्लस बचता है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस पब्लिश करती है और रिस्क इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है अलग अलग रीजन्स को, तो इंडिया जो है काफ़ी हाई लेवल पर है। और इसमें देखिए लिखा भी हुआ है इज इन ग्रेव पेरिल, यानी कि बहुत खतरे में है इंडिया की सॉइल बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ग्रीन के बारे में आप विचार करिए कथनों पर। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एग्री लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना चाहता है। नैफेड यहाँ पर नोडल एजेंसी रहेगी जो प्राइस स्टेबलाइजेशन देखेगी, मतलब जो आपके आलू प्याज टमाटर का जो मूल्य बढ़ जाता है कभी कभी 80 से 100 200 रुपये किलो हो जाता है, उसको नियंत्रित रखेगा नैफेड। और अगला है कि जो टोमेटो है ऑनियन और प्याज जो है मतलब थ्रू आउट द ईयर ये मिलता रहे और इसकी प्राइस वोलेटिलिटी इतनी हाई ना रहे, वही बात है कि दाम ना बढ़े इन चीज़ों के। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नैफेड कंट्रोल करेगा, नोडल एजेंसी रहेगी, ऑपरेशन ग्रीन का लक्ष्य है जो टोमेटो ऑनियन पोटैटो है यानी कि TOP टॉप, इनकी सप्लाई जो है मेंटेन रहे, कालाबाजारी या फिर किसी भी के कारण इनका दाम जो है किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर बढ़े नहीं, ठीक है। और 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसमें होगा, ऑपरेशन फ्लड के सिद्धांतों पर ही आधारित है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक के बारे में आप स्टेटमेंट पढ़िए और इसको बताइए। पहला स्टेटमेंट है कि सिस्मिक गैप एक फॉल्ट का सेक्शन हुआ करता था जिससे पहले अर्थक्वेक आया था लेकिन अब अभी सुषुप्त अवस्था में है यानी कि डॉर्मेंट है। और दूसरा है कि बेनियॉफ जोन जो है सिस्मिकली एक्टिव अंडरग्राउंड एरिया है सबडक्शन जोन के अंतर्गत जो आता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बोथ वन एंड टू। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव एरियाज विद मोर देन 250 सेंटीमीटर रेन एंड लेस देन 50 सेंटीमीटर रेन, यानी कि ऐसे स्टेट को चुनना है जिसके कुछ हिस्सों में तो 250 सेंटीमीटर बारिश होती है लेकिन कुछ हिस्सों में 50 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपका ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से, यानी कि वन एंड फोर। तो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर कभी कभी तो 250 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर 50 सेंटीमीटर के करीब। आगे हमारा क्वेश्चन है, अब ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है
अब इस पैच को अगर देखें, ये वाला पैच, तो ये पैच जा रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच से, तो ये इसमें होती है 40 से 60% की रेनफॉल। और बाकी अगर आप देखें वैसे तो 200 से 400 भी होती है इस महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाकी वाले हिस्से में, जो कि आपका लाइट पर्पल से दिखाया गया है। तो आजकल सब फीचर लगाए जा रहे हैं मॉनिटर सीरीज में, मैप वगैरह सब, जहाँ पर भी ज़रूरत है। रिजेक्शन ऑफ गांधीज 11 पॉइंट डिमांड लेड टू द फॉलोइंग। 11 पॉइंट डिमांड रिजेक्ट हुई, और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ऑफकोर्स सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चला था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ओपन आउट टू बोथ अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। अटलांटिक और पैसिफिक दोनों से ही जो तट शेयर करती हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? वो है आपका पनामा, वो है आपका होंडुरास, और वो है आपका कोलंबिया। ठीक है, ये तीन कंट्रीज। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर होंडुरास है ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो ये देखिए यहाँ ये वाला हिस्सा और ये दोनों की तरफ खुला है। पनामा जो है ये ऊपर नीचे, नीचे पैसिफिक ऊपर अटलांटिक दोनों के लिए, और कोलंबिया भी इधर पैसिफिक और उधर अटलांटिक, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स हैव टू ईट अ लॉट ऑफ फूड कंपेयर टू कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स टेक ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, यानी कि कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वो सराउंडिंग का टेम्परेचर के हिसाब से अपना बना लेते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस यानी उभयचर जो होते हैं वार्म ब्लडेड में आते हैं, अदर बर्ड्स और मैमल्स की तरह। कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट है? करेक्ट है आपका पहला और दूसरा। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं फूड को एनर्जी में बदल देते हैं जब उनको हीट चाहिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सराउंडिंग से ले लेते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस ये आपके वार्म ब्लडेड नहीं होते हैं, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिक्स नेशन जो एनएसजी का हिस्सा नहीं है ये बताना है। तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 ये सब एनएसजी के हिस्से हैं। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के हिस्सा है ब्राज़ील, रशिया, आपका इंडिया को छोड़कर। हाँ, एनएसजी का हिस्सा इंडिया तो है ही नहीं। ठीक है, इसको छोड़कर के बाकी ये सारे एनएसजी का पार्ट हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू खिलाफत मूवमेंट इज इनकरेक्ट। खिलाफत मूवमेंट के बारे में इनकरेक्ट क्या है बताना है। तो क्या इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? जजीरात उल अरब जो है उनकी संप्रभुता को बनाए रखना जो है एक डिमांड थी। ऑल्सो जो खलीफा जो है उनको सारे मुस्लिम टेरिटरीज का पूरे वर्ल्ड में जो है इस्लामिक फेथ जो है उसको करने के लिए, उसको डिफेंड करने की डिमांड की गई थी। नेशनल कांग्रेस ने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो तीसरा और चौथा यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, ये और ये इनकरेक्ट है, बाकी दो सही हैं। शौकत अली मोहम्मद अली ने लीड किया था, ये सही है। अली ब्रदर्स जिनको कहा गया है। सारे इस्लामिक कंट्रीज के खलीफाओं के बारे में नहीं, टर्किश सुल्तान के बारे में बात की गई थी कि उनको मुस्लिम के सैक्रेट प्लेसेस को और ऑटोमन एम्पायर में जो है उनको सॉवरेंटी मिलनी चाहिए, मुस्लिम सॉवरेंटी, और कांग्रेस ने बिल्कुल इसको सपोर्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है। अब अगला स्टेटमेंट देखना है कि ये ट्राइब जो है ये PVGTG है अंडमान और निकोबार की, और ये नीग्रोटो हैं ओरिजिन की, और ये अभी किलिंग ऑफ एन अमेरिकन सिटीजन से चर्चा में आए थे। ठीक है, तो एक अमेरिकी की हत्या करने से चर्चा में आए थे, तो बताना है कि ट्राइब ये है कौन सी? तो ये ट्राइब ये है सेंटिनलीस। ठीक है, सेंटिनलीस ऑप्शन नंबर सी, इनके बारे में देखिए दिया हुआ है इसमें। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में पाए जाते हैं, नेग्रिटो हैं, और अभी चर्चा में आए थे किसी अमेरिकन को मारने पर। अब हमको बताना है कि लंदन स्मोक जो है सल्फरस स्मोक है, और लॉस एंजल स्मोक एक फोटोकेमिकल स्मोग है। लंदन स्मोक जो है ये ठंडा होता है और मॉइस्ट कंडीशंस में होता है, लॉस एंजल स्मोक जो है ये सूखी और जो आपका ड्राई क्लाइमेट के कंडीशंस होता है उसमें देखा जाता है। तो बताइए करेक्ट कौन सा है? करेक्ट है आपका दोनों ही। तो लंदन स्मोक और लॉस एंजल स्मोक जो है इनके बारे में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द न्यूट्रिनो विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है कि इनको घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है क्योंकि इनको डिटेक्ट करना मुश्किल है, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता और बहुत ही कम मास होता है। कार्टिन एक्सपेरिमेंट जो इंडिया ने शुरू किया था
न्यूट्रिनो का मास डिटरमाइन करने के लिए, कौन सा यहाँ पर सही है? यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। कार्टिन एक्सपेरिमेंट नहीं था, तो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? कार्टिन एक्सपेरिमेंट का पर्पस तो यही था कि न्यूट्रिनो का मास डिटरमाइन करेंगे, लेकिन ये इंडिया में नहीं शुरू हुआ था, ये इसको कमीशन किया गया था जो कैंपस नॉर्थ है, कारशुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, वहाँ पर। ठीक है, बाकी सही है इसके बारे में। आगे हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट। इंडिया ने जो है अपने ब्रिक्स पार्टनर्स की तुलना में, यानी कि चाइना और ब्राज़ील और रशिया, उसकी तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है इसमें। तीन ब्रॉड कैटेगरीज में बनाई गई थी, फूड लॉस एंड वेस्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशनल चैलेंजेस। और ये रिपोर्ट जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और बारिला सेंटर फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। बताइए कौन सा यहाँ पर सही है? पर करेक्ट कोड जाएगा 1 और 3, पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है और ये वाला करेक्ट है। दूसरा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया ने चाइना से बेटर इसमें नहीं प्रदर्शन किया है, ब्रिक्स पार्टनर्स की तुलना में इंडिया को जो है और निचली रेटिंग मिली है, ये बताना है। इंडिया को जो है 67वीं पोजीशन पर रखा गया है इस रिपोर्ट में, ठीक है, इस इंडेक्स में, फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में। तो फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? अच्छा सॉरी, ये थोड़ा कंसेप्शन है, इसमें इंडेक्स में रैंकिंग इस तरीके से नहीं दी गई है, 67 कंट्रीज़ का यहाँ पर इवेल्युएशन हुआ था, ठीक है, उसके ट्रेंड्स बताए गए हैं केवल, इंडेक्स नहीं है, वरना हम इंक्लूड जरूर करते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आप बताइए कि करेक्ट कौन सा है, कि इसमें से जो है किसानों को जो है प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए थे, मालिकाना हक क्या उनको दिया गया था, ज़मींदारों को क्या मालिक रिकग्नाइज किया था कंपनी ने, या ब्रिटिश शासन ने कह सकते हैं, सॉरी, उनको मालिकाना हक दिया था क्या, और गवर्नमेंट जो है परमानेंटली उन्होंने लैंड रेवेन्यू फिक्स की थी क्या, और ज़मींदार जो है एक मिडिल मैन के तौर पर काम करते थे किसानों के और सरकार के बीच में, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? यहाँ पर करेक्ट है 2, 3, 4, ठीक है, इसमें मतलब किसानों को जो है प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए थे, दिए थे इन्होंने ज़मींदारों को, ये सही है, लैंड रेवेन्यू फिक्स किया था और ज़मींदार जो है एक मिडिल मैन के तौर पर काम करने लगे थे, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था ये आपका लैंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पैड अबॉट टेस्ट, ये किससे रिलेटेड है? ये इसरो का टेस्ट है, गगनयान जो हम लोग भेजने वाले हैं उसका, ये आपका जो हम लोग क्रू भेजने वाले हैं उसका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का एक टेस्ट था जो श्रीहरिकोटा में किया गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसकी तस्वीरें भी हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट टाइटल्ड साउथ एशियाज हॉटस्पॉट्स द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन चेंजेस ऑन लिविंग स्टैंडर्ड। तो रिपोर्ट का नाम तो खैर पूरा नहीं याद रखिएगा, ऐसे पूछा है कि क्या IUCN इसको रिलीज करता है और क्या इसमें एस्टिमेट किया जाता है कि टेम्परेचर और मानसून के पैटर्न कैसे किसी GDP को या फिर मतलब लिविंग स्टैंडर्ड जो है किसी कंट्री को साउथ एशियन रीजन में अफेक्ट करेंगे, ये दिखाया गया है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? बड़ा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर बी करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, IUCN ने इसको रिलीज़ करता है, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, ये यहाँ पर था गलत वाला। आर्टिफिशियल लीफ के बारे में बताइए कि कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट है, क्या ये भारत पहला नेशन बन गया जिसने आर्टिफिशियल लीफ डेवलप की है और नेचुरल लीफ से ज़्यादा एफिशिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर खाली सही है। तो ये किसने डेवलप की आर्टिफिशियल लीफ, क्योंकि MIT ने ये इसको डेवलप किया था काफ़ी पहले ही, तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, और दूसरा वाला बिल्कुल सही है कि नेचुरल लीफ की तुलना में 100% ज़्यादा एफिशिएंट है कार्बन को कैप्चर करने में, ये कृत्रिम पत्तियाँ। आगे क्वेश्चन है कि पेन मुंजन डिक्लेरेशन रिसेंटली जो देखा गया था किससे रिलेटेड है, तो ये कोरियन पेनिनसुला से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। सी वाटर जो है हमारे मतलब नमक उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट का, कौन सा सही है ये बताना है? यहाँ पर दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। 70% जो हम लोग नमक बनाते हैं वो कोस्टल एरियाज से बनाते हैं, ठीक है, मतलब समुद्र से बनाते हैं, और सॉल्ट प्रोड्यूसर्स में सबसे ज़्यादा गुजरात है, फिर तमिलनाडु है, फिर राजस्थान है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि
और वो लोग इतना बना लेते हैं कि वो उनके स्टेट के कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा होता है और सबको दिया जाता है, जो लैंड लॉक्ड राज्य होते हैं उनको। अगला है कि स्कीम जो है ग्राम स्वराज अभियान में इंक्लूड नहीं करी गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये ग्राम स्वराज अभियान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ग्राम स्वराज अभियान जो है कंडक्ट करा गया था आपका, ये देखिए लिखा हुआ है, 14 अप्रैल से 5 मई 2018 तक। अब इसमें विभिन्न विभिन्न कैंपेन चलाए गए थे और इन सब योजनाओं को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं शामिल थी। आगे हमारा क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ कोवलन एंड माधवी, ये पोर्ट्रे की गई है किस तमिल ग्रंथ में? तो मणि के मलाई में दिखाई गई है, ठीक है, मणि मेक कलाई में। इसमें कोवलन और माधवी को दिखाया गया है, कोवलन माधवी की डॉटर को। अगला हमारा क्वेश्चन है, और इस कवि जो है चित्रलई चथनार जो है इसके लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है हर 3 मंथ में। मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है हर 2 साल में पब्लिश की जाती, मतलब साल में 2 बार पब्लिश की जाती है आरबीआई के द्वारा। कौन सा गलत है यहाँ पर? तो दोनों ही गलत नहीं है, यानी कि दोनों ही सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपका कमेटी के बारे में दिया हुआ है कि साल में 4 बार मिलते हैं, यानी कि हर 3 मंथ में एक बार पब्लिक डिसीजंस लेना होता है। एमपीसी में 4 मेंबर होते हैं और रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है कमेटी का। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55। अभी देखिए लिखा हुआ है ये पब्लिकेशंस, ये रिपोर्ट, मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट, फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और ओकेजनल पेपर्स, ये वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है। हाइस्ट कोल रिजर्व किसके पास है? तो लेटेस्ट में झारखंड के पास है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा क्वेश्चन है, अभी देखिए टोटल ये दिखाया गया वेबसाइट से प्रोडक्शन, आप तो टॉप 3 ध्यान रख सकते हैं, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा कोल्ड रिजर्व की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की नहीं। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बताइए, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहली इंडिजिनियसली बिल्ट इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसको पहले ट्रेन 20 कहा गया था, और ये दिल्ली से वाराणसी के बीच 160 KMPH की स्पीड से चलेगी। 100% मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है ये, बताइए कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर सी करेक्ट है, 1 और 3, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पर फिर से सोल्यूशन में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, ये वाला इनकरेक्ट होगा क्योंकि ट्रेन 18 कहते हैं इसको, मतलब ट्रेन 18 शुरू में कहा गया था वंदे भारत से पहले। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से आया है, 18 मंथ में बना है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ये सही है, और 160 की स्पीड से दिल्ली से वाराणसी चलती है, ये भी सही है। तो 2, 3 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, 2, 3 करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विजन जीरो जो है किससे संबंधित है? तो विजन जीरो है कि हम जो है रोड ट्रैफिक में जितनी भी फैटलिटीज होती है, जितनी मृत्यु होती है सड़क दुर्घटनाओं से, उसको जीरो पर ले आना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और ये इंडिया का नहीं है, ये है स्वीडन का प्रोजेक्ट। विजन जीरो एक मल्टीनेशनल रोड ट्रैफिक प्रोजेक्ट है, स्वीडन की पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया था 1997 में, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्टर्ड फ्रॉम देम, यानी कि सबसे ज़्यादा जो GI टैग मिले हैं उसको पहले रखना है। तो सबसे ज़्यादा GI टैग किसके पास है? कर्नाटक के पास, फिर महाराष्ट्र के पास, फिर तमिलनाडु के पास, ठीक है। कर्नाटक के पास 38 GI प्रोडक्ट्स हैं, महाराष्ट्र के पास 32 हैं, तमिलनाडु के पास 25 हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा कि कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम के बारे में आप विचार करिए कि इंडिया की बिडिंग एंटिटीज जो है उसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, जो कि बाहर काम करते हैं, उनको बल मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो है इसको देखेगी, मतलब कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए सिलेक्ट करेगी। स्कीम जो है ये प्रेजेंटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित की जा रही है। कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम के बारे में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 और 3, ये वाला करेक्ट है और ये वाला करेक्ट है। तो ये वाला इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को चेक करेगी और जो इंडिया के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर फाइनेंस मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी
सेक्रेटरी होंगे यहाँ पर, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी के सेक्रेटरी होंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी, एक सेपरेट यहाँ पर बनाई गई है कमिटी, तो इस वजह से बी गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेली सेकेंड जो न्यूज़ में देखी गई थी ये क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंट डेजिग्नेटेड टू स्टडी डार्क मैटर एंड वायोलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। डार्क मैटर की डेजिग्नेटेड स्टडी करने के लिए और स्टैंडर्ड मॉडल जो है फिजिक्स का उसके वायोलेशंस को स्टडी करने के लिए ये है बेले टू। ये प्रोजेक्ट किस कंट्री का है? बेले टू जापान का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, बेली डिटेक्टर यहाँ पर इसका ये पिक लगाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पॉसिबल बेनिफिट्स क्या होते हैं बैंकों के मर्जर के। लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कैपिटल कंजर्वेशन होगा गवर्नमेंट का, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी कि प्रशासनिक जो खर्चा आता है वो कम होगा। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हो पाएंगी अगर बैंकों का मर्जर होगा। ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। आगे हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इंजॉयस एक्सेप्शन अंडर द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ में जो है किसको रियायतें मिली हुई हैं ये बताना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर को, या फॉरेन एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट को। तो यहाँ पर डी, तीनों ही सही है यहाँ पर। इक्वलिटी बिफोर लॉ जैसे डिफाइन किया गया कि कानून सबके लिए एक है, लेकिन इनको कुछ यहाँ पर मिलेंगे रियायतें। प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ मतलब गवर्नर जो है स्टेट के, उनको आर्टिकल नंबर 361 के तहत कुछ यहाँ पर इम्यूनिटीज मिली हुई हैं कि ऑफिस के दौरान जो है वो जो है उनका अरेस्ट नहीं हो सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते उनके खिलाफ, ये सारी चीज़ें। आगे हमारा क्वेश्चन है कि अब स्टेटमेंट को देखना है कि काकीनाडा जो है एक रिलीजियस श्राइन है, क्रिश्चियनिटी से संबंधित है। लोमास ऋषि केव्स जो हैं बिहार में पाई गई हैं, और ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स मानी जाती हैं आजीवक संप्रदाय की, जिसके मतलब संस्थापक मखली गोसाल थे। कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। इनकरेक्ट है फर्स्ट, काकीनाडा क्रिश्चियनिटी से नहीं संबंधित है, जैनिज्म से संबंधित है। लोमस ऋषि केव्स जो है बिहार में आजीवक धर्म से संबंधित है, ये इनको दिखाया गया है यहाँ पर। अब आपको सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। पहला है कि ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, ये देहरादून में लोकेटेड है, और क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है। कौन सा करेक्ट है? 64 वाले का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि दोनों ही करेक्ट हैं। ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन देहरादून में हेडक्वार्टर, और साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है सर्वे ऑफ इंडिया। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बताइए कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत सेटअप किया गया है, और आईपीपीबी है, क्या ये लोन नहीं इशू कर सकता और क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकता। तो आपका बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, लोन नहीं दे सकता है बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकता है, जिस चीज़ की बात कही गई थी एटीएम की, एक्चुअली में एटीएम है ही नहीं, वो खाली आईपीबी की पीओएस पर और कुछ मतलब पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में काम करने वाला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है पेमेंट बैंक पूरी तरीके से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था पिछले साल इन्हीं दिनों अक्टूबर मंथ में। आगे हमारा क्वेश्चन है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में क्या सही है। हमको बताना है यहाँ पर कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा सही है। क्या ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं पारित किया जा सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए रीज़न बताना यहाँ पर ज़रूरी है लोकसभा में, इसको इसकी शुरुआत करने के लिए, इसको इनिशिएट करने के लिए। यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन नंबर वन केवल, ठीक है। इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं मूव कर सकते हैं, ये जो है ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के खिलाफ पारित किया जाता है, इसलिए फर्स्ट करेक्ट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में स्टेट को रीजन बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि क्यों लोकसभा में इसको शुरू कर रहे हैं। सेंसर मोशन जो है इसका जो है लगाना पड़ता है, ठीक है, कारण बताना पड़ता है इसका। अगला है कि टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है इनके बारे में इनकरेक्ट कौन सा है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंतर्गत काम करते हैं? ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर काम करते हैं, स्पेशली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्ट के अंतर्गत जो अपील्स हैं उनके अंतर्गत, या जो ऑर्डर पास किए जाते हैं आपके इन ट्रिब्यूनल के द्वारा वो फाइनल होते हैं, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं इस ट्रिब्यूनल में, ये कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया को जो है प्रभावित कर सकते हैं।
तो यहां पर आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, बाकी ये तीनों सही हैं। स्टेटमेंट नंबर सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन तो है लेकिन ये डायरेक्ट टैक्सेस के लिए है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिल्वर कॉपर टेल्यूक्राइड, AgCuTe के बारे में क्या करेक्ट है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है काफी एक्सीलेंट होती है। ऑप्शन नंबर बी ये इनकरेक्ट है, बाकी ये वाले करेक्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है और ये वेस्ट हीट को जो है, मतलब ये वेस्ट से हीट, वेस्ट को हीट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड की जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है उसमें नेशंस दिए गए हैं जिसमें डिसेंडिंग इनफ्लो देखा गया है, यानी कि घटता हुआ FDI का फ्लो देखा गया है, उसको यहाँ पर अरेंज करना है आपको। इसको कैसे अरेंज करेंगे, सबसे घटता हुआ जो होगा वो आखिरी में रहेगा, जहाँ पर अच्छा फ्लो है वो पहले रखेंगे। तो सबसे ठीक ये FDI इनफ्लो G20 का है, फिर आपका APEC कंट्रीज का है, फिर आपका NAFTA का है और फिर ब्रिक्स नेशन का है। इस तरीके से रखेंगे 4-3-2-1 इस तरीके से, यानी कि ब्रिक्स देशों में FDI इनफ्लो काफ़ी कम हुआ है और बाकी डिटेलिंग लिखी हुई है, आपने पढ़ लिया होगा पेट्रोपालो ने। आगे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर AFSPA, अफ्सपा के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 नहीं आएंगे, मेघालय और त्रिपुरा नहीं आएगा अफ्सपा के अंतर्गत। वैसे तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है क्योंकि अफ्सपा कहीं पर हटा लिया जाता है, कहीं पर लगाया जाता है, तो ये करंट अफेयर का बेसिकली क्वेश्चन है, ये चेंज भी हो सकता है इसका आंसर आज अगर मैं इसको बात करूँ तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए ये लिखा भी हुआ है कि क्या है कैसे है, ये पिक भी लगाई गई इसी वजह से। हम किससे फोटोकेमिकल स्मॉग से संबंधित बता सकते हैं केमिकल को, तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं, क्या ये हिस्से हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के, और हैं तो कौन कौन से वाले। तो तीनों ही पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये फोटोकेमिकल स्मॉग के हिस्से हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिस्पॉन्स टू लॉर्ड बर्कन हेड्स चैलेंज, लॉर्ड बर्कन हेड्स चैलेंज का रिएक्शन किस फॉर्म में आया था। तो नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अब 73 में बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि गलत कौन सा है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होते हैं और सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क हैं, ये करीब इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का 15% कवर करते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोटेक्टेड एरिया जो या जो कंजर्वेशन वाले एरियाज हैं, ये इनको प्रोटेक्शन इसलिए मिला हुआ है क्योंकि नेचुरल इकोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यूज़ हैं इनकी, इस वजह से। दूसरी बात ये है कि ये 15% नहीं कवर करते हैं, करीब 5.07% इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कवर करे हुए हैं और बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का पार्ट नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि आप बताइए कि स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट कौन सा है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ये अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करती है, क्या इसका टेन्योर 5 ईयर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, ये वाला थर्ड वाला इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसका टेन्योर जो है फिक्स नहीं होता है, ये एडवाइजरी बॉडी के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस के लिए काम करती है और अपनी रिपोर्ट उन्हीं को सबमिट करती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब ये पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, इनकरेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अगला बताना है कि करेक्ट कौन सा है कि गोमस्ता जो है ये एजेंट थे फ्रांसीसियों के जो क्लोथ्स कलेक्ट करते थे कमीशन के लिए, और जो खटबंदी सिस्टम है इसमें कारीगरों को केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सामान बेचने के लिए बाध्य किया गया था, ठेका दिया गया था उनको, कौन सा करेक्ट है। खाली दूसरा वाला ऑप्शन नंबर बी। गोमस्तास जो होते थे ये ब्रिटिश के एजेंट्स होते थे और ये कमीशन पर ये जो है एम्प्लॉय किए जाते थे। और दूसरी बात ये कि 1780 में खटबंदी सिस्टम आया था
और उसके तहत आर्टिसन्स को डायरेक्टली जो है मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अपना सामान बेचना होता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वॉज इनेक्टेड विद इन द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या स्वतंत्रता के 10 साल में ही आ गई थी? जो प्राइस कमोडिटीज थी क्या केवल केंद्र ही रेगुलेट करता था इसको? पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इसमें नहीं शामिल किया गया है। कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? पहला ही यहाँ पर करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, क्योंकि इस एक्ट के अनुसार सेंटर और स्टेट दोनों ही जो हैं यहाँ पर प्राइस रेगुलेट कर सकते हैं। तीसरा भी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि पेट्रोल और इसके प्रोडक्ट भी शामिल करे गए हैं। ऑफ कोर्स पेट्रोल का रेट जो है बिल्कुल इसके तहत रेगुलेट किया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रस्तावना के बारे में कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल जो है एक मतलब करें इंटीग्रल पार्ट है संविधान का। ऑप्शन नंबर बी। पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था इसको 1859 में, मतलब 1859 में उन्होंने शुरू किया और रिकॉग्निशन दिया इसको इस 1861 के एक्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि संथाल ट्राइब के बारे में आप बताइए कि कौन सा करेक्ट है, कि क्या ये गोदावरी के दक्षिण हिस्से में पाए जाते थे? संथाली को क्या 8वें शेड्यूल में जगह मिली है भारतीय संविधान में? क्या भगवान राम उनके जो है चीफ डाइटी यानी कि उनके इष्ट देव हुआ करते थे? तो कौन सा करेक्ट है यहाँ पर संथालों के बारे में? केवल दूसरा, कि संथाली को जो है मतलब 22 भाषाओं में से 8वीं अनुसूची में जो है उनमें जगह मिली है। गोदावरी में बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे क्योंकि आपके रांची में पाए जाते थे या अभी भी नॉर्दर्न इंडिया में ही पाए जाते हैं, और ये सरना रिलीजन है इनका, और ये जो है करम नाम का फेस्टिवल मनाते हैं, और लॉर्ड राम इनके कोई ऐसे डाइटी नहीं है। अब वो फ्लाई ऐश का जो यूज़ है उसके रिगार्ड बात करनी है कि जो माइंस होती हैं उनको बंद करने के काम में आती है, वेस्ट लैंड के रिक्लेमेशन में, क्रॉप यील्ड बढ़ाने के काम में, या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने के काम में फ्लाई ऐश काम में आती है यानी कि राख। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चारों ही सही है, राख जो है इन चारों चीज़ों में काम आ सकती है। आगे हमारा क्वेश्चन है, लिपोर्ड क्लाउडेड लिपोर्ट के बारे में बात करना है कि इनमें करेक्ट कौन सा है, कि अभी हाल में सामने आया है कि क्लाउडी वेदर में ये जो है बाहर निकलते हैं, इस वजह से क्या इनका नाम क्लाउडेड लिपोर्ड है, और ये क्या मेघालय के स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है, और क्या IUCN ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है? तो सेकेंड वाला यहाँ पर करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट हैं। क्लाउडेड लिपोर्ड नाम इसलिए क्योंकि जो है इनमें एलिप्स पाए जाते हैं जो ब्लैक होते हैं, अंदर की तरफ डार्क होते हैं और बाहर बाहर की तरफ जो होते हैं पेल्ट के कलर के, इस वजह से इनका नाम क्लाउडेड लिपोर्ट है, इसलिए नहीं कि मतलब क्लाउडी वेदर में बाहर निकलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि IUCN ने इनको वल्नरेबल में रखा है, ये देखिए क्लाउडेड लिपोर्ट है और ये IUCN का स्टेटस का चार्ट है, तो VU में रखा है यानी कि वल्नरेबल में। आगे क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन, जिसको ग्रेस्फो मिशन कहा गया है, ये न्यूज़ में है, ये किससे संबंधित है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पार्टनरशिप में है, और क्या ये अर्थ के वाटर मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं और अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज है उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसको समझना चाहेंगे? कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? तो यहाँ पर करेक्ट है केवल दूसरा, ये मिशन तो इसका सही बताया गया है लेकिन ये नासा और ESC की पार्टनरशिप में नहीं है, नासा पार्टनरशिप में है जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के साथ, और ये आपका यहाँ पर पिक भी दिखाई गई थोड़ी सी, ये है ट्विन सैटेलाइट ग्रेस्फो, ये दोनों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ISAT के बारे में आप बताइए कि कौन सा यहाँ पर सही है? तो क्या ये इसरो का इनिशिएटिव है? क्या ये इनिशिएटिव है कि आइस सीट एलिवेशन जो है मून की सरफेस में उसको मेजर करना चाहेंगे? तो दोनों ही यहाँ पर नॉट करेक्ट हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि अर्थ का जो पोलर आइस जो है जो अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में जो चेंजेस हुए हैं उसको देखना चाहेगा, और वो भी नासा देखना चाहेगा, इसरो नहीं। आगे हम बढ़ेंगे, उनको बताना है कि पॉपुलैरिटी जो है भक्ति मूवमेंट की उसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं।
भक्ति मूवमेंट क्यों पॉपुलर हुआ? वो इसलिए पॉपुलर हुआ था क्योंकि हिंदुइज्म में मानते थे कि कई भगवान हैं, उनको तुष्ट करने के कई तरीके हैं, जबकि ये जो है इसको देखा गया था कि इसमें केवल एक ही कंसेप्ट था गॉड का, वन गॉड, मोनोथीज्म की बात की गई थी, वर्शिप में सिंप्लिसिटी थी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी भाईचारे की बात की गई थी, इस वजह से भक्ति मूवमेंट पॉपुलर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। हमको बताना है कि इन्होंने हिब्रू पढ़ी थी और ग्रीक और ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट पढ़े। ये आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और मीनिंग लेस रिचुअल्स जो थी यानी कि कर्म कांड उनके भी खिलाफ थे। इन्होंने एकेश्वरवाद को प्रमोट किया और जो पॉलीथीज्म थी यानी बहुवेश्वरवाद उसकी निंदा की। तो कौन कौन से कथन हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही मानेंगे? तो ये हैं सारे के सारे, राजा राम मोहन रॉय के बारे में तीनों ही कथन सही हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि अब आप कंसीडर करिए कि वारंगल दरी जो है ये वेजिटेबल कलर्स यूज़ करती हैं डाई के बदले, और अभी इनको जीआई टैग मिला है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर वारंगल की दरियों के बारे में करेक्ट है? तो दोनों ही करेक्ट हैं, यहाँ पर वारंगल की दरियों के बारे में दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं। आगे हम बढ़ेंगे, ये वारंगल की दरियाएँ देखी दिखाई भी गई हैं यहाँ पर, वारंगल को ये जीआई टैग भी मिला है इसके लिए। अब आपको यहाँ पर मिलाना है जो बटरफ्लाई की प्रजातियाँ हैं और किस किस स्टेट में मिलती हैं उससे, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक है। यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ए को 4 से मिलाएंगे, बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 1 से। सदर्न बर्ड विंग ये कर्नाटक की है, कॉमन पीकॉक ये महाराष्ट्र की है, बुद्ध मयूरी ये केरल की, और ब्लू मर्मन ये उत्तराखंड की। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये सदर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई है, ये आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगी, यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है। अब ये दिखाई गई है आपकी मलाबार बैंडेड पीकॉक, इसको पैपिलो बुद्धा या बुद्ध मयूरी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये है कॉमन पीकॉक, और ये आखिर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताना है कि आप नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि कौन सा सही है, कि क्या ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको शुरू कर रही है, क्या सारे स्टेट्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर केवल करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है इसको अंडरटेक किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में सॉरी यहाँ पर ये पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के रिकमेंडेशन पर, और तब ये किस नाम से जाना जाता था? ये कमीशन रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ये जाना जाता था हिल्टर यंग कमीशन के नाम से, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि WHO ने रिकमेंड किया है कि ट्रांस फैट जो है ये इसका इंटेक जो है लिमिटेड कर देना चाहिए, क्योंकि 1% जो है टोटल एनर्जी इसके इनटेक से मिलती है केवल, और टोटल एलिमिनेशन यहाँ पर ट्रांस फैट का करना चाहेगा WHO 2023 तक। अब स्टेटमेंट हमको देखने हैं कि सारे ट्रांस फैट जो है ये मैन मेड नहीं होते हैं, और ये बैड लेवल जो होता है LDL कोलेस्ट्रॉल का वो बढ़ा देता है। ट्रांस फैट जो है ये मतलब पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में होते हैं या उससे मिलते हैं, और क्या ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि HDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसको घटा देता है। तो कौन सा यहाँ पर सही है? आपको बता दें ट्रांसफैट के बारे में चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। अभी आइलैंड को लगाना है नॉर्थ से साउथ में हमको, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले कोको आइलैंड होगा, फिर आपका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड होगा, और फिर आपका लिटिल अंडमान होगा, फिर कार निकोबार होगा, फिर आपका लिटिल निकोबार होगा, और फिर ग्रेट निकोबार होगा। इस तरीके से आप अरेंज करेंगे। यहाँ पर शायद पिक है, दिखा दे रहे हैं अगर होगी तो, ये है यहाँ पर, तो ये इस पिक से आप लोग देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हमको बताना है कि प्रेसिडेंट रूल जो है J&K में, उसके में बताइए कि क्या क्या हुआ है। सिंस J&K हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल नंबर 356 इज नॉट एप्लीकेबल टू स्टेट। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि चूंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल नंबर 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल उसमें नहीं लग सकता है। प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट में
ये आर्टिकल सेक्शन नंबर 92 के तहत लगाया जा सकता है जेएन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। ठीक है, अब तो खैर इस क्वेश्चन का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि अब तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो चुका है, 35 भी खत्म हो चुका है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो है यूनियन टेरिटरी भी अब दोनों बन गई हैं, स्टेट रहा ही नहीं आपका जम्मू कश्मीर, तो ये स्टेट, ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। वन हॉर्न राइनो जो है ये इंडेंजर्ड लिस्ट किए गए हैं IUCN की लिस्ट में। वन हॉर्न राइनो जो है केवल काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे आपको क्या, जो असम में है। कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर दोनों ही नॉट करेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि इसको जो है इंडेंजर्ड नहीं वल्नरेबल में रखा IUCN ने, क्योंकि जलपादरा नेशनल पार्क, पोरबीता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ओरांग नेशनल पार्क में भी मिलेंगे काजीरंगा के अलावा एक सींग वाले गेंडे। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2018 रिपोर्ट, क्या इसको वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है और क्या इंडिया के पास जो है प्रतिस्थापन दर जो है फर्टिलिटी रेट के नीचे है? कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर दोनों ही इनकरेक्ट हैं, ये भी रॉन्ग है ये भी रॉन्ग है। तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2018 किसने जारी की है? यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, UNFPA ने। ठीक है, और फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, रेट का मतलब ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एक वुमेन को मतलब जनरेट करने चाहिए जिससे पॉपुलेशन का साइज कॉन्स्टेंट बना रहे। इंडिया का है ये रेट रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 2.1, और एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है पूरे इंडिया की? इंडिया की ये है 2.3 बर्थ पर वीमेन। ये इसको याद रख सकते हैं, ये डायरेक्टली आ सकता है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। अगला है, द ओनली प्रोडक्टिव डायमंड माइन इन इंडिया इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो विंध्या रेंज में जो माइन मिलेगी यही ओनली जो है प्रोडक्टिव डायमंड माइन है, और ये माइन है कौन सी? मजगवान माइन, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में मिलेगी यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए जो गवर्नर के पार हैं और उनके बारे में, गवर्नर की शक्तियों के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए। तो इस पर लिखा है कि ये दो मेंबर नॉमिनेट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, और ये डेथ सेंटेंस को भी नहीं रिवोक कर सकता है, ऐसा करने का अधिकार सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति को होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है, जो एक्ट लाए थे और कौन कौन से आपके गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय लाए थे उनसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही कोड मिलेगा डी, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया था आपका लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, और ये आया था 1856 में, और फिर आया था फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन लॉर्ड मैकॉले के टाइम पे, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ये किसके टाइम पर आया था? एलनबर्ग के टाइम पर, और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था रिपन के टाइम पर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में आपको आपको बात करनी है, गलत वाला कौन सा है ये बताना है। तो डलहौजी जो था इसने पहले यूज़ किया था सबसे, ये गलत है, एक्सटेंसिवली इसी ने यूज़ किया था लेकिन सबसे पहले डलहौजी ने नहीं यूज़ किया था। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। और फिर दूसरा है कि मार्केट जो है ब्रिटिश गुड्स का, इससे जो है इंडिया में घट गया, ऐसा भी नहीं हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है यानी कि अडॉप्टेड सन जो है प्रॉपर्टी का नहीं अधिग्रहित कर सकता है, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको लैप्स कर लेगी, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इससे ब्रिटिश मार्केट जो है एक्सपैंड हुआ था, घटा नहीं था। और पॉलिसी ऑफ लैप्स जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने यूज़ करी है काफ़ी, लेकिन ओरिजिनेट इनसे नहीं हुई है, ये पता होना चाहिए आपको। वाइस रीगल लॉज जो है शिमला में, उसके बारे में बात करनी है, तो हमको बताना कौन सा करेक्ट है इसमें। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2 और 3, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है इसकी बिल्डिंग यहाँ पर है, और ये फेमस है की मीटिंग के लिए जो मतलब कैबिनेट मिशन की हुई थी यहाँ पर हुई थी वाइस रीगल लॉज में शिमला में इंडिपेंडेंस से पहले। तो फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट यहाँ पर इनकरेक्ट है और 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। ये वाइस रीगल लॉज अब राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाता है, और ये ब्रिटिश वॉइस रॉय का एक रेजिडेंस हुआ करता था फॉर्मली। इसको किसके काल में बनवाया गया था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अब आ जाएंगे आखिरी पर। आखिरी क्वेश्चन है कि बताना है कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी के कॉजेस क्या क्या थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों ही कॉजेस थे, क्विट इंडिया जो लिख दिया गया था HMIS तलवार पर वो,
और इंडियन ट्रूप्स जो भेजे गए थे इंडोनेशिया में वो, और तीसरी बात ये भी कि सुपीरियर्स जो है उनको अब्यूज़ भी करते थे, ये भी है। तो ये हिंदी में भी हमने दिखा दिया है क्वेश्चन, हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, और बाकी आप हमारी अगर टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हैं तो इसको बाय कर सकते हैं, इस गिवन नंबर पर कॉल करके आप हमारी टेस्ट सीरीज़ बाय भी कर सकते हैं।